अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे भारत में उबाल है। भारत के ज्यादातर राज्य के युवा सड़क पर हैं और बवाल कर रहे हैं। जब से सरकार ने सेना की नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तब से ही देश भर में इस योजना का विरोध हो रहा है। कई जगह विरोध हिंसक भी हो गया है। प्रदर्शनकारी कहीं ट्रेनें जलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पुलिसकर्मियों के साथ झड़प करते हुए। प्रदर्शनकारियों ने बिहार बंद के बाद आज सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ऐसे में सरकार ने झारखंड पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश देने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, शॉपिंग मॉल के आसपास निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं बंदी के बीच झारखंड के कुछ जिलों का हाल। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया। इस कड़ी में झारखंड की राजधानी में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहन का परिचालन सामान्य रूप से हो रहा है, दुकानें खुली हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि रांची की फिजा कुछ दिनों पहले से ही खराब थी। ऐसे में अब अग्निपथ योजना के कारण बंदी होना प्रशासन के लिए सीधी चुनौती है। बात अगर झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर की करें, तो भारत बंद का कुछ खास असर देखने को यहां नहीं मिल रहा। यहां NH-33 पर गाड़ियों का परिचालन सामान्य रूप से हो रहा है। वहीं जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन, आदित्यपुर स्टेशन के साथ चकदरपुर रेल मंडल के तमाम स्टेशनों पर विशेष पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। भारत बंद का लोहरदगा में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। यहाँ लंबी दूरियों की गाड़ी नहीं चल रही है, जिस कारण लोग ऑटो का सहारा लेकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। लोहरदगा शहरी क्षेत्र की दुकानें और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें भी खुली हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोहरदगा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह की बात करें तो भारत बंद का असर यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। जबकि गिरिडीह मधुपुर ट्रेन सेवा में अहले सुबह के पहले फेरे का ट्रेनों ने यात्रियों को लेकर मधुपुर से गिरिडीह स्टेशन पहुंचा और गिरिडीह से ही यात्रियों को लेकर मधुपुर की ओर रवाना हुआ। इस दौरान हालात पर नजर रखने के लिए नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी अपने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ सुबह से ही शहर में मुस्तैद दिखे।